हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोपजी की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपको गणित विषय के अंदर जो 10th क्लास है उसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का हल किस प्रकार से किया जाता है। तो उससे पहले हम ये समझें कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। देखो, रैखिक समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एक लाइनर होता है, अर्थात रेखा के रूप में होता है। अगर हम किसी रैखिक समीकरण को ग्राफ के ऊपर प्रदर्शित करेंगे तो एक सरल रेखा के रूप में उसका प्रेजेंटेशन होगा, निरूपण होगा। और रही बात दो चरों वाले, अर्थात दो चर आते हैं जैसे एक्स और वाई, ग्राफ के ऊपर दो ध्रुव होते हैं एक्स और वाई, तो ऐसे एक्स और वाई से संबंधित कोई समीकरण ले हम जिसके अंदर एक्स और वाई दो चर हो और उनकी अधिकतम घात एक हो, तो उसे हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अगर किसी समीकरण के अंदर चर की अधिकतम घात एक होती है तो उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है, और अगर उसको ग्राफ के ऊपर निरूपित किया जाए तो उसकी एक सीधी सरल रेखा बनती है, इसलिए उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। लेकिन यहां पर हम दो चर लेंगे और उन दोनों चरों का हम मान ज्ञात करेंगे। किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो जैसे मैं एक सिंपल सा नॉर्मल सा क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे क्वेश्चन है 3x - 5y = 1 और एक दूसरा समीकरण ले लेता हूं इसके साथ में इससे संबंध रखने वाला 2x - y = -3। यहां पर देखा जाए तो देखो, एक तो x और एक y दो चर है यहां पर, साथ ही साथ बराबर का निशान है, इसका मतलब ये समीकरण भी है, तो यहां पर दो चरों वाला समीकरण हो गया। लेकिन यहां पर x और y की अगर हम अधिकतम घात देखें तो एक एक है, इसलिए इसको हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण कह सकते हैं, अर्थात ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। इधर देखें तो ये भी यहां पर x और y दो चर है, साथ ही साथ दो पक्ष हैं इसके बराबर के इधर उधर, तो इसलिए ये दो चरों वाला समीकरण है और चर की अधिकतम घात यहां पर एक है, इसलिए हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं इसे। अब आपको यह पता होना चाहिए कि रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। तो देखो, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, जो स्टैंडर्ड रूप होता है वो कैसा होता है, तो यहां पर यह समीकरण का निशान लगा देते हैं हम, ax + by + c = 0। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो ax + by + c = 0। यहां पर x एक चर है और a उससे कोई भी संख्यात्मक जो गुणा है मान वो a होता है, साथ साथ y यहां पर दूसरा चर है और इससे जो b गुणा है वो कोई भी गणितीय संख्यात्मक मान होता है और c खाली संख्या वाला मान होता है और बराबर इधर हम 0 रखते हैं। तो ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड रूप हो गया, अर्थात मानक रूप हो गया। लेकिन यहां पर देखिए, हमने दो समीकरण लिए हैं, आपका जो कोर्स है चैप्टर है उसके अंदर दो दो समीकरण साथ में होंगे और उनमें एक्स और वाई के मान, इनकी जो वैल्यू है आपसे पूछी जाएगी, और ये जरूरी भी है क्योंकि यहां पर दो अज्ञात राशियां हैं एक्स और वाई, दो चर है, इन दोनों का मान ज्ञात करने के लिए दो समीकरणों का दिया होना जरूरी है। अगर यहां पर केवल मात्र एक ही चर होता अर्थात x जैसे 3x + 5 = 10 होता, इस प्रकार से अगर कोई समीकरण होता तो यह भी रैखिक समीकरण है, समीकरण भी है और रैखिक समीकरण भी है, लेकिन यहां पर ये एक चर वाला ही है, अर्थात इसमें केवल मात्र एक ही चर है x, और कहने का मतलब एक ही अज्ञात राशि है और इस x का मान ज्ञात करने के लिए ये एक समीकरण ही काफी होता है। लेकिन अगर यहां पर ऐसे y और लगा दिया जाए तो यहां पर दो चर हो गए और ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण हो गया, इसमें x और y का मान ज्ञात करने के लिए आपको दो समीकरण दिए हुए होना जरूरी है। अगर आपके पास दो अचर राशियां, ये चर राशियां हैं जिनका मान आपको ज्ञात करना है, तो इसके लिए दो समीकरण होना चाहिए। अगर तीन चर हो तो फिर उसके लिए तीन समीकरण, तीन संबंध दिया होना जरूरी है। तो यहां पर दो चरों वाले रैखिक समीकरण ले रहे हैं तो हम साथ में दो दो समीकरण लेंगे जो आपस में संबंध रखते हैं, और उन दोनों समीकरणों की सहायता से हम इन चरों का मान ज्ञात करेंगे, अर्थात x और y का मान ज्ञात किया जाएगा यहां पर। तो ये दी घात, ये रैखिक जो समीकरण है इनका, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ये मानक रूप हो गया, जिसमें दो चर राशियां होती है और साथ में ये समीकरण के रूप में होते हैं और अधिकतम घात इनकी एक होती है। तो यहां पर हमने जो रैखिक समीकरण लिया है इसमें x और y का मान कैसे ज्ञात किया जाए, इसके लिए
कौन कौन से मेथड है, विधियां हैं, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैंने दीगा ये जो रैखिक समीकरण है उसमें ax प्लस by प्लस c बराबर जीरो किया है। इसके अंदर देखा जाए तो बराबर के अंदर शून्य नहीं है, जीरो नहीं है, इसमें भी बराबर के अंदर जीरो नहीं है। अगर हम इसको ऐसे मानक रूप में कन्वर्ट करना चाहे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पक्ष के इधर वाला जो बराबर के एक तरफ वाला जो मान है उसको एक साइड में कर लेना, अर्थात सभी जो मान है वैल्यू है उसको एक पक्ष में ले आना है और बाकी दूसरे पक्ष में आपको शून्य कर लेना है, जिससे कि ये रैखिक समीकरण के मानक रूप में आ जाए। हालांकि आप जब सरल करो, अगर x और y का मान निकालो तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप इधर से उधर करो या उधर से इधर, आप किधर भी पक्षांतर करके इसको सरल कर सकते हो। लेकिन अगर रैखिक समीकरण के मानक रूप में आपको इनको कन्वर्ट करना है, दिखाना है, बताना है, तो आप इस सी मान को या जो भी इधर कुछ दिया हुआ है उसको इस पक्ष में ले आते हैं। तो इस समीकरण का, इस रैखिक समीकरण का जो सरलतम रूप हो गया वो हो गया 3x-5y। अगर इस प्लस माइनस के एक को इधर लाएंगे बराबर के तो ये प्लस का एक हो जाएगा और इधर बच जाएगा शून्य। ये हो गया रैखिक समीकरण का मानक रूप। अगर इसकी बात करें तो यहां पर भी देखिए, इस माइनस तीन को इधर ले आएंगे तो 2x-y माइनस का तीन इधर आएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का। तो ये प्लस का तीन और बराबर जीरो, ये रैखिक समीकरण के मानक रूप हो गए। अब आपको यह देखना है कि इस रैखिक समीकरण में ये a क्या होता है, b क्या होता है और ये c क्या होता है। इन तीनों को पहले समझना जरूरी है क्योंकि आगे जब हम अध्ययन करेंगे तो उसके अंदर ये a, b और c बहुत ही महत्वपूर्ण है जो काम में आएंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये a, b और c क्या है, इसको किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, यहां पर बताया जाए। तो देखो, यहां पर आपके पास एक समीकरण तो ये है, पहला समीकरण ये और दूसरा समीकरण ये है। आपको भी मैंने बताया कि x चर से जो संख्या गुणा है यहां पर वो a होती है। तो यहां पर देखा जाए तो a बराबर कितना है, x से जो गुणा है वो a होता है अर्थात तीन। y से जो गुणांक है, y का जो गुणांक है वो है b। तो यहां पर y से देखे तो क्या गुणा है, कुछ छात्र इसको प्लस का पांच लिख देते हैं, प्लस का पांच नहीं, y से ये माइनस का पांच गुणा हो रहा है। तो ये b बराबर है माइनस का पांच, ये आपको ध्यान रखना है। माइनस का तो माइनस का रखना है, प्लस का है तो प्लस का रखना है। और c, बाकी जो खाली संख्या वाला मान है वो c है, वो c के बराबर होता है। तो यहां पर c देखिए, c बराबर है एक, ये c बराबर एक हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे समीकरण के अंदर, इसके अंदर भी a, b और c का पता करना है हमें। तो वही स्टैंडर्ड रूप की तरह x का जो गुणांक है वो a है। तो यहां पर देखें हम तो a बराबर कितना है, x से गुणा हो रहा है दो, तो a बराबर ये दो हो गया। y से जो गुणा है वो b होता है, तो यहां पर y से गुणा क्या है अर्थात माइनस का एक y है ये, तो माइनस का एक गुणा हो रहा है y से, तो ये b बराबर हो गया माइनस का एक। और बाकी जो संख्या वाला मान है वो c होता है, तो c बराबर यहां पर है प्लस का तीन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये a b c क्या होते हैं, इसको कैसे लिखा जाता है। a b c जब आपको बताना होता है किसी क्वेश्चन के अंदर तो आप आपके समीकरण को मानक रूप में लिखना है, अर्थात एक साइड में आपको जीरो करना है और बाकी एक पक्ष में सभी मान ले लेने हैं। जैसे मैंने यहां पर पक्षांतर किया, माइनस एक को इधर लाए, माइनस तीन को इधर लाए, तो ये स्टैंडर्ड रूप में आ गया। उसके बाद ही आपको ए बी सी बताना है, ये ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि ये प्लस का तीन इधर है, माइनस का तीन है और हम सी बराबर माइनस का तीन कर ले, तो ये गलत हो जाएगा। अर्थात ये जो तीनों मान है उसको एक पक्ष में रखना है, चाहे आप इधर रखो चाहे इधर रखो, दूसरे पक्ष में आपको शून्य रखना है। उसके बाद ही आपको ए बी और सी बताना है। अब देखिए, यहां पर मैं आपसे ये पूछूं कि इसके अंदर, इन दोनों समीकरणों के अंदर ए कितना है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो दो रैखिक समीकरण है इनमें ए बराबर कितना है, तो आप ए बराबर ये तीन बताओगे या फिर ए बराबर दो बताओगे, तो ये एक प्रकार से दिक्कत हो सकती है। या बी बराबर माइनस का पांच है या बी बराबर माइनस का एक है, ये भी दिक्कत है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा बी किसमें बताना है, या कौन सा ए, इसका ए बताना है या इसका ए बताना है। तो इसके लिए आपको इनके समीकरण का नंबर लगा देना है। जैसे आपके पास दो समीकरण है, एक समीकरण तो ये और एक समीकरण ये, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, पहले समीकरण के एक को ए वन कर लेंगे, अर्थात ए वन का मतलब ये प्रथम समीकरण का ए है, और पहले समीकरण के बी के हम ऐसे वन लगा देंगे तो ये बी वन हो जाएगा, बी वन का मतलब प्रथम समीकरण का बी, और ऐसे ही सी वन। तो ये ए वन, बी वन और सी वन का मतलब है पहले समीकरण का ए, पहले समीकरण का बी और पहले समीकरण का सी। इसी प्रकार से हम बात करें दूसरे समीकरण के अंदर, तो दूसरे समीकरण वाले ए के लिए हम क्या कर देंगे, ए टू कर देंगे। ए टू का मतलब द्वितीय समीकरण का जो एक्स से गुणांक है वो ए।
और बी के लिए बी टू कर देंगे और सी के लिए सी टू कर देंगे। तो ए टू बी टू और सी टू का मतलब है समीकरण नंबर जो आपका दूसरा है उसका ए बी और सी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ए वन बी वन सी वन क्या है और ए टू बी टू सी टू क्या है। नॉर्मल सी बात है, ए बी सी तो आपको पता है, ए है एक्स का गुणांक, बी है वाई का गुणांक और सी है खाली संख्या वाला मान। लेकिन वन वन का मतलब है, इनके जो वन वन लगा रखा है ए वन बी वन सी वन, इसका मतलब है कि ये प्रथम समीकरण के ए बी और सी है। इसी प्रकार से ये जो टू टू लगा रखा है इसका मतलब है कि ये ए टू बी टू और सी टू है दूसरे समीकरण के ए टू बी टू और सी टू, अर्थात दूसरे समीकरण का ए, दूसरे समीकरण का बी और दूसरे समीकरण का सी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनमें ए वन बी वन सी वन कितना है और ए टू बी टू सी टू कितना है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है और वन टू क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे इनको हल कैसे किया जाए, अर्थात जो भी आपके पास दो चरों वाले रेखीय समीकरण दिए हुए हों, ऐसे दो समीकरण आपको मिलेंगे, उनको हल कैसे किया जाए। तो हल करने के लिए आपके पास जो विधि है वो मैं लिखा देता हूं। जैसे एक विधि है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। इस विधि के द्वारा हम बहुत सारे क्वेश्चनों को हल करते हैं इस प्रश्नावली के अंदर या इस टॉपिक के अंदर ही नहीं, बाकी अन्य जो आपके एक्सरसाइज है उनके अंदर भी प्रतिस्थापन विधि काम में आती है। जहां पर भी कोई सा भी समीकरण अगर दो चरों वाले रेखीय समीकरण का रूप ले लेता है वहीं पर हम प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करके उन चर राशियों का मान ज्ञात करते हैं। तो ये हर जगह काम में आती है। तो सबसे पहली विधि है प्रतिस्थापन और ये सबसे महत्वपूर्ण विधि भी है क्योंकि हर जगह गणित के अंदर ये काम में आती है। दूसरी विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि का मतलब विलुप्त करना, अर्थात हम क्या करते हैं इन दोनों समीकरणों को जब सरल करते हैं तो इनमें किसी एक चर को हम विलुप्त करके दूसरे का मान निकाल लेते हैं, जो आपको आगे हल करेंगे तब इन विधियों के इस विधि के बारे में अच्छी तरह से बता देंगे। तो दूसरी विधि विलोपन विधि है। विलोपन का मतलब विलुप्त करना, अर्थात आपके जो दो चर है एक्स और वाई इनमें से किसी एक को बराबर करके विलुप्त किया जाता है और दूसरे का मान ज्ञात कर लिया जाता है। ऐसे ही तीसरी विधि है वज्र गुणन विधि। इनके जो गुणांक है इनको हम वज्र गुणा करके इन x और y का अर्थात चर राशियों का मान ज्ञात करते हैं, जो आपको अभी लिखा देंगे और उसमें हल करना भी बता देंगे। चौथी विधि है ग्राफीय विधि, अर्थात ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करके ग्राफ पे इन समीकरणों को निरूपित करके हम x और y का मान ज्ञात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विधि ग्राफीय विधि आपके लिए इसलिए है क्योंकि एग्जाम के अंदर ये जो आपकी प्रश्नावली है दो चर वाले रेखीय समीकरण उसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है जो ग्राफ वाला होता है और छह नंबर का होता है, हमेशा छह नंबर, अर्थात दो बोर्ड 2012 से लेकर अगर हम 20 तक के पेपरों की बात करें तो उनमें जो आपका 26वां क्वेश्चन है वो हमेशा ग्राफ वाला ही होता है, अर्थात ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करवाता है और वो हमेशा 6 नंबर का आता है। तो ये इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपको 6 अंक लाने होते हैं। बाकी ये जो भी दिया है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम अन्य प्रश्नावली के जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी हल करते हैं इनकी सहायता से। तो यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि दो चरों वाले रेखीय समीकरणों को हल करने के लिए कुल मिला के ये चार विधियां हैं, अर्थात प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि और ग्राफी विधि। अब हम सबसे पहले लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। ये आपके पास जो क्वेश्चन लिया है मैंने 3x माइनस 5y बराबर माइनस 1 और 2x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करें। तो देखिए यहां पर लेते हैं क्वेश्चन आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1 और इसके साथ में जो दूसरा समीकरण है इससे संबंध रखने वाला वह है 3x माइनस वाई बराबर माइनस का 3। हमें यहाँ पर ये जो दो चर राशियां हैं x और y इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इनका मान ज्ञात करना है। कहने का मतलब इसमें x बराबर कितना है और y बराबर कितना है वो मान हमें ज्ञात करना है और उसके लिए हमें इस्तेमाल करना है सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से कैसे इन समीकरणों को हल किया जाए, तो देखो आपको जो दो समीकरण मिलेंगे उनमें आपको किसी भी एक समीकरण को लेकर सरलतम रूप में लाना है, सरल करना है। अर्थात जैसे समीकरण आप 3x माइनस 5y बराबर माइनस का 1 ले लिए तो इससे इससे क्या करेंगे हम इसको पक्षांतर करेंगे, वज्रगुणन करेंगे, अर्थात ये जो बराबर के इधर और उधर दो पक्ष हैं उन दोनों पक्षों में से
किसी एक पक्ष में आपको केवल एक ही चर राशि रखनी है, या तो x या फिर y। ये आप पे आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप x को रखना चाहते हो या y को रखना चाहते हो। बाकी अदर जो मान है, सभी मान उसको एक पक्ष में ले जाना है अर्थात दूसरे पक्ष में उनको प्रतिस्थापन कर देना है। तो यहां पर देखिए, आप ये सोचोगे कि हम इस बराबर के इधर इस पक्ष में x को रखें अकेला या y को अकेला रखें, तो उसके लिए आप कोई सा भी चुनाव कर सकते हो। जैसे मान लो आपने सोच लिया कि मैं x को इधर रखना चाहता हूं, तो बाकी अदर जो मान है उनको आप उस साइड में ले जाओगे। जैसे ये बराबर है, इधर माइनस का एक ऑलरेडी पहले से है, आपने सोच लिया कि इधर x को रखेंगे, तो सबसे पहले हम 3x को तो ऐसे कैसे लिख देते हैं, आपके पास बचा माइनस का 5y। इस माइनस के 5y को आप उस पक्ष में ले जाओ। वही समीकरण का नियमों का आपको ध्यान रखना है कि अगर हम किसी प्लस वाली संख्या को उस दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो माइनस की हो जाती है और माइनस वाली प्लस की हो जाती है। तो यहां पर जो माइनस का 5y है इसको हम इस पक्ष से उस पक्ष में ले जाएंगे तो ये प्लस का 5y बन जाएगा। बाकी इस समीकरण में और इस समीकरण में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ हमने पक्षांतर किया है, प्लस का माइनस कर दिया यहां पर या माइनस का प्लस कर दिया। तो यहां पर माइनस का 5y था, उसको इस पक्ष में लिखकर प्लस का 5y कर दिया, बाकी मान वो का वही है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इस बराबर के इधर अर्थात एक पक्ष के अंदर आपको केवल अकेली चर राशि रखनी है, या तो x या वाई। और आपने यहां पर चुनाव किया कि हम x को इधर रखेंगे, तो x के पास अर्थात साथ में 3 गुणा और है, तो आपको इस 3 को भी हटाना है, अर्थात 3 को भी इधर से उस पक्ष में ले जाना है। ये ध्यान रखना है क्योंकि अकेली चर राशि रखनी है। तो यहां पर 3 गुणा हो रहा है, और आप जानते हो समीकरण के किसी एक पक्ष में कोई संख्या गुणा हो रही होती है और उसको दूसरे पक्ष में ले जाना होता है, तो हम दूसरे पक्ष में ले जाकर क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, अर्थात गुणा का भाग होता है भाग का गुणा। तो हम इस 3 को इधर से हटाकर उधर ले जाएंगे तो उस पूरे पक्ष के अंदर क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि ये 3 पूरे पक्ष से गुणा हो रहा है तो ही उधर जाके पूरे पक्ष में भाग लगेगा। अगर इसके आसपास कोई और संख्या प्लस या माइनस में और होती और फिर आप डायरेक्टली इस 3 को हटाते तो उधर जाके भाग नहीं लगता, अर्थात पहले आप पक्षांतर करो फिर जो पूरे पक्ष में राशि गुणा हो रही है उसको ले जाओगे तो ही भाग लगेगा। तो यहां पर हम इस 3 को इधर से हटाते हैं, इधर बच जाएगा एक्स। इस पक्ष में ऑलरेडी पहले से जो है वो ऐसे कैसे रहेगा, अर्थात प्लस का 5y है और माइनस का 1। प्लस की संख्या को पहले लिखना ठीक रहता है, माइनस को बाद में लिखना ठीक रहता है, तो मैंने माइनस के 1 को इधर लिख दिया थोड़ा और प्लस के y को इधर लिख दिया। इधर बटे में देखो 3 गुणा से आएगा तो क्या होगा, भाग लगेगा, यहां पर बटे में 3 आ जाएगा। ये x के बराबर मान हो गया, अर्थात सरलतम रूप हो गया x बराबर। इस x के मान को आपको द्वितीय समीकरण के अंदर प्रतिस्थापित कर देना है, अर्थात x की जगह ये मान रखकर सरल कर लेना है, वो ही प्रतिस्थापन विधि है। अर्थात हम ये जो x का मान हमने यहां पर किया है उसको हम समीकरण नंबर 2 के अंदर दूसरे समीकरण के अंदर जो आपका समीकरण बच गया उसमें x की जगह रख देंगे, और रखकर जब सरल करेंगे तो आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। ये ही है प्रतिस्थापन विधि। तो हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण जो आपका दूसरा समीकरण था 2x-y बराबर माइनस का 3 इसमें रखते हैं। रखने पर रखकर हम सरल करेंगे तो देखो x का मान x इधर करना है, बाकी को ऐसे कैसे, यहां पर इस समीकरण के अंदर है 2 गुणा x, x का मान ये मान यहां पर रखेंगे, x का मान है 5y-1 और बटे हुए 3, ये x की जगह रख दिया, बाकी ऐसे कैसे रखना है माइनस और ये y और बराबर माइनस का 3। अब इसको सरल करेंगे तो आपको x का मान मिल जाएगा, ये y का मान मिल जाएगा क्योंकि x का तो मान रखा है। इस 2 को हम इधर अंदर गुणा करेंगे तो 2 को 5y से गुणा करेंगे तो 5 दूने ये 10y हो जाएगा, ये 2 माइनस 1 से और गुणा होगा तो माइनस का 2 एकम माइनस का 2, ये माइनस का 2 और बटे में है 3, इस 3 को ऐसे कैसे रख देना है, माइनस वाई या वाई बटे हुए 1 और बराबर माइनस का 3। ये एक प्रकार से भिन्न बन गई, इन दोनों भिन्नों को हम घटाएंगे तो लघुतम लेकर इनको सरल कर लेंगे, इनका लेस है एलसीएम ले लेंगे, 1 और 3 का लेस होगा 3 क्योंकि 3 में 3 का भाग जाता है और 1 का भी भाग जाता है, वो लेस होता है। 3 का भाग 3 में दिया, एक बार गया, जितनी बार जाता है उसको अंश से गुणा करके लिखते हैं, तो 1 को इस अंश से गुणा करेंगे तो ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है, तो ये 10y-2 ऐसे कैसे, आगे जो निशान है वो निशान लगा देना है, माइनस का है माइनस, इस बिन के अर का विभाग देकर देखना है आपको लेसे के अंदर,
जितनी बार जाता है उसको उसी बिन के अंश से गुणा करना है। तो एक का भाग आपने तीन में दिया, तीन बार गया, तीन को ऊपर वाले अंश वाई से गुणा किया, तो ये तीन वाई हो गया, तो ये माइनस तीन वाई। बाकी इस पक्ष में है वो ऐसे कैसे माइनस का तीन। अब देखिए यहां पर तीन को बटे हुए से इधर लाएंगे भाग से तो ये गुणा हो जाएगा, और ऊपर देखिए सात वाई में से तीन वाई चला जाएगा, ये सरल हो जाएगा, तो बचेगा प्लस का सात वाई। दस वाई में से तीन वाई जाएगा तो सात वाई बच जाएगा, दस वाई है माइनस का तीन वाई, तो ये सेवन वाई बच जाएगा, और साथ में माइनस का दो, ये माइनस का दो। और ये जो बटे वाला तीन था अर्थात भाग लग रहा था, इसको इस माइनस तीन की तरफ लाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और तीन तिया नौ बन जाएगा माइनस का, तो ये माइनस का नाइन हो गया। अब देखो इसको सरल करके आराम से हम y का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने प्रारंभ में आपको बताया था कि अगर किसी समीकरण के अंदर एक ही चर राशि होती है तो उस समीकरण के अंदर हम उस चर राशि का मान ज्ञात आराम से कर सकते हैं, और यहां पर इस समीकरण के अंदर केवल मात्र एक ही चर राशि है y, तो y का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इस माइनस के दो को इस पक्ष के अंदर लेकर आएंगे हम, तो ये आकर प्लस का हो जाएगा, इधर बच जाएगा सात वाई, और इधर माइनस का दो आएगा तो माइनस के नौ और प्लस का दो बन जाएगा, माइनस के नौ में प्लस का दो अगर जोड़ेंगे तो माइनस का सात बचेगा यहां पर। तो ये देखिए इधर है सेवन वाई और बराबर उधर माइनस का सेवन है, क्योंकि माइनस नाइन प्लस टू माइनस का सेवन बचेगा। और अब आपको वाई का मान निकालना है, तो इस सात को उठाएंगे गुणा से उठाएंगे इधर आके भाग लग जाएगा, तो ये वाई इज इक्वल टू माइनस सेवन अपॉन सेवन, और सात में सात का भाग एक बार जाता है तो माइनस का एक आ जाएगा, ये वाई बराबर माइनस का वन आ गया। इस प्रकार से हमने वाई का मान निकाल लिया। अब हम वापस जो एक्स बराबर मान किया था हमने, अर्थात ये प्रतिस्थापन करने के लिए जो एक्स के बराबर मान किया था यहां पर सरल करके, उसमें हम वाई की जगह वाई का ये मान रखकर एक्स का मान और प्राप्त कर लेंगे। तो देखो यहां पर आपने प्रारंभ में सरल किया था पहले समीकरण को, तो क्या था एक्स बराबर पांच वाई माइनस वन अपॉन थ्री, तो फाइव वाई माइनस वन बटे तीन ये मान था। अब यहां पर हम वाई की जगह वाई का मान रख सकते हैं, क्योंकि वाई का मान हमने प्राप्त कर लिया, क्या है माइनस का एक, ये माइनस का एक हम इसके अंदर रख देते हैं, तो वाई बराबर माइनस एक रखने पर ये मान रखेंगे तो एक्स का मान आपको मिल जाएगा, एक्स बराबर पांच गुणा वाई, वाई का मान है माइनस एक, तो माइनस वन और माइनस वन पहले से है बटे हुए तीन, इसको सरल करेंगे तो आपको एक्स का मान मिल जाएगा। एक्स बराबर फाइव को माइनस वन से गुणा करेंगे तो माइनस का फाइव हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस गुणा होकर माइनस बनता है, हमेशा असमान चिन्ह गुणा होते हैं तो माइनस आता है और भाग में भी माइनस आता है, लेकिन समान चिन्ह जब गुणा होते हैं तो प्लस आता है, जैसे माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस आएगा और प्लस प्लस को गुणा करने पर भी प्लस आता है, तो माइनस का पांच और माइनस का एक बटे हुए तीन। अब देखिए माइनस का पांच और माइनस का एक मिलकर माइनस का छह हो जाएगा, तो ये एक्स बराबर माइनस का सिक्स बटे हुए तीन, और छह के अंदर तीन का भाग देंगे माइनस छह के अंदर तो ये माइनस का टू आ जाएगा। इस प्रकार से हमने एक्स का मान माइनस का दो और वाई का मान माइनस एक प्राप्त कर लिया। ये जो आपके दो समीकरण थे, दो चरवाही रैखिक समीकरण, इनमें एक्स बराबर माइनस का दो है और वाई बराबर माइनस का एक है। इस प्रकार से x और y का मान ज्ञात करना ही प्रतिस्थापन विधि है, जो बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है। अब देखिए हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे जो मान प्राप्त हुए हैं x और y के, ये सही है या गलत है। तो इसके लिए आप जांच कर सकते हो x की जगह x का और y की जगह y का, आप इन समीकरणों में मान रख दो और सरल करो, आपका दोनों ये दोनों पक्ष समान हो जाएंगे। जैसे मैं यहां पर जांच करता हूं, आपका समीकरण था 3x माइनस 5y और प्लस का 1 बराबर 0, या फिर यहां पर रखते हैं तो बराबर माइनस का 1, ऐसे मान लो। अगर हम x और y की जगह मान रखेंगे, सरल करेंगे इसको, तो माइनस का 1 आ जाना चाहिए। देखो 3 गुणा एक्स, एक्स की जगह हम मान रखेंगे माइनस का 2, तो ये माइनस का 2, माइनस 5 गुणा वाई, वाई की जगह मान रखेंगे माइनस का 1, तो ये माइनस का 1, और बराबर आना क्या चाहिए, माइनस का एक आना चाहिए। तो इसको सरल करते हैं, देखो यहां पर तीन को माइनस दो से गुणा करेंगे तो माइनस का छह हो जाएगा, तो ये माइनस का छह, माइनस के पांच को माइनस के एक से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस का पांच एकम पांच, तो ये प्लस का पांच बराबर इधर माइनस का एक है। अब देखो यहां पर माइनस का छह माइनस का पांच, तो इस पक्ष में भी माइनस का एक बचा,
और इस पक्ष में भी माइनस का एक था, इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो आपके दोनों मान सही है। एक्स और वाई का जो आपने मान निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब ऐसा है, नहीं है कि इस समीकरण को ये संतुष्ट करता हो, अर्थात आप इसमें रख कर भी देख सकते हो इसको भी ये बिल्कुल संतुष्ट करेगा। तो हम इसमें रख के जांच करते हैं कि एक्स और वाई का मान सही है या गलत है। तो समीकरण दूसरा लेते हैं, दूसरा समीकरण आपका 2x माइनस वाई बराबर माइनस का 3। इसमें x और y की जगह मान रखेंगे 2 गुणा x, x का मान अभी निकाला है हमने, माइनस का 2 है तो ये माइनस का 2 रखेंगे, माइनस y, y का मान निकाला है हमने कितना, माइनस का 1 तो ये माइनस का 1 रख देते हैं, ये माइनस ध्यान रखना है, इसको नहीं हटाना है, और बराबर ये माइनस का 3 आना चाहिए। अब इसको सरल करते हैं, हम 2 को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस का 4 हो गया। इधर देखिए, माइनस बाहर है कोष्ठक के और माइनस अंदर है, जब कोष्ठक लेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर माइनस 3 होना चाहिए। अब देखिए, माइनस का 4 है प्लस का 1 है, तो इनकी अगर कैलकुलेशन करेंगे हम तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 3 और इस पक्ष में भी माइनस का 3 है, तो ये दोनों पक्ष बराबर है। इस प्रकार से आप संतुष्ट हो सकते हो कि हमने जो x और y का मान निकाला है वो सही है या गलत है। तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि से किसी भी दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को आप लोगे और उसके अंदर किसी एक चर राशि के बराबर मान बना लोगे। जैसे यहां पर 3x माइनस 5y बराबर माइनस का 1 था, तो हमने इसको सरल किया, इस 3x को ऐसे कैसे रहने दिया, माइनस के 5y को इस पक्ष में ले आए, तो ये प्लस का 5y हो गया, 3x बराबर माइनस का 1 प्लस 5y। अब हम क्या करेंगे, इस x से 3 और गुणा हो रहा है, जितना भी जो गुणा हो रहा है उसको हटा देना है या दोनों पक्ष में उसका भाग दे देना है, जिससे कि अकेला हो जाए x। तो यहां पर x बराबर ये 3 था, उस गुणा को इधर लाए तो भाग लग गया इसमें, अर्थात 5y माइनस का 1 है उसमें ये भाग दे दिया, ये x बराबर हो गया मान। इस मान को हम बच गए दूसरे समीकरण के अंदर रखेंगे, कुछ छात्र क्या कर लेते हैं, उसी समीकरण में वापस रख लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, अर्थात जो दूसरा समीकरण आपका उसमें इसको रखना है और उसको फिर सरल करना है। जैसे हमने यहां पर x की जगह मान रखा 2 गुणा x, x का मान था 5y माइनस 1 बटे 3, माइनस y बराबर माइनस का 3, इसमें सरल किया तो दुपंजे 10y और माइनस का 2 एकम माइनस का 2 और बटे में 3 है ये 3 और माइनस का y ऐसे कैसे बराबर माइनस का 3, इन दोनों बिंदुओं का लघुत्तम लिया तो 3 आया, लेस इनका 3, 3 का 3 तो अंश भी 10y माइनस 2 ऐसे कैसे 10y माइनस 2 और माइनस माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार गया, 3 को y से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 3y हो गया बराबर माइनस का 3 है, बटे वाले 3 को इस माइनस के 3 के इधर दूसरे पक्ष में लाएंगे तो ये भाग से गुणा हो जाएगा तो माइनस का 9 बच जाएगा और 10y में 3y जाएगा तो प्लस का 7y बचेगा और माइनस का ये 2 है, अर्थात 7y माइनस 2 बराबर माइनस का 9 हो जाएगा। इस माइनस 9 को इस माइनस 2 को माइनस 9 की तरफ माइनस 9 की तरफ लाएंगे तो माइनस का 2 प्लस का 2 बन जाएगा, इधर माइनस का 9 पहले से प्लस का 2 और आएगा तो माइनस का 7 रहेगा और इधर प्लस का 7 है तो प्लस का 7y बराबर माइनस का 7। हमें y का मान निकालना है, 7 गुणा हो रहा है, 7 को गुणा से इधर लाएंगे तो दूसरे पक्ष में भाग लगेगा क्योंकि गुणा से भाग होता है, माइनस के 7 में प्लस के 7 का भाग जाएगा माइनस का 1 बार, तो ये y का मान हमने इस प्रकार से प्राप्त कर लिया प्रतिस्थापन विधि से, तो y बराबर माइनस का 1 हो गया। अब ये y का जो मान है हम x बराबर जो मान किया है उसमें रख सकते हैं या फिर आप कोई से भी समीकरण में रख दो, यहां पर रख दो चाहे यहां पर रख दो, कहीं पर भी रख के सरल कर सकते हो, जैसे आप इसके अंदर भी रख सकते हो, जैसे यहां पर रख के निकाल सकते हैं हम, अर्थात दोनों चर राशियों में से किसी एक चर राशि का मान अगर आप प्राप्त कर लेते हो तो उस मान को आप कोई से भी समीकरण में रखो, सरल करो, आपको दूसरे चर राशि का मान मिल जाएगा। जैसे हम इसके अंदर रखते हैं, ये है 2x माइनस का वाई बराबर माइनस का 3 है, जबकि आपने वाई बराबर माइनस का 1 प्राप्त कर लिया, तो ये माइनस का 1 जो है वो y की जगह हम रखकर इसको सरल करेंगे तो आपको x का मान यहां पर मिल जाएगा। जैसे 2x माइनस वाई माइनस वाई, वाई का मान माइनस 1 बराबर माइनस का 3, सरल करते हैं तो 2x माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा तो ये प्लस का 1 बराबर माइनस का 3, 1 को इधर लाएंगे तो इधर बच जाएगा 2x बराबर 1 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस 3 में ये भी माइनस का 3 हो जाए, माइनस का 1 हो जाएगा तो माइनस का 3 और माइनस का 1, कुल मिला के 2x बराबर
हो गया माइनस का चार। हमें x का मान निकालना है, दो गुणा हो रहा है, इस गुणा को इधर लाएंगे तो माइनस चार में भाग लगेगा, माइनस चार बटे भी दो अर्थात x बराबर माइनस का दो। तो ये ऐसे भी आ सकता है, अर्थात दोनों चर राशियों में से किसी भी चर राशि का मान अगर आपने प्राप्त कर लिया तो आप दोनों समीकरणों में कहीं पर भी उसका मान रख दो और सरल करो, आपको दूसरे चर राशि का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मैं मानता हूं कि आपको ये प्रतिस्थापन विधि बिल्कुल सरल लगी होगी, आप आराम से किसी भी दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को आप आसानी से हल कर सकते हो। आगे आपके लिए बहुत सारे प्रतिस्थापन विधि के हम क्वेश्चन लाएंगे बड़े बड़े, उनको हल करेंगे तब और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लेते हैं दूसरा मेथड है, विधि है विलोपन विधि। इस विलोपन विधि से ये एक्स और वाई के मान या जो चर राशियां हैं उनका मान कैसे ज्ञात किया जाए, तो इसके लिए देखिए कैसे क्या करना है। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना, विलुप्त करके हम मान निकालते हैं। आपके पास दो चर राशियां हैं एक्स और वाई, इन एक्स और वाई का हमें मान ज्ञात करना है, तो इनमें हम क्या करेंगे, दोनों चरों में से किसी एक चर को विलुप्त करेंगे। जैसे आपके पास समीकरण है 3x माइनस का 5y प्लस 1 बराबर 0, इसको इधर रखोगे तो माइनस का एक हो जाएगा, इधर लाओगे तो प्लस का एक, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस का 1y और प्लस का 3 बराबर 0। विलोपन विधि से इन चर राशियों का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, यह ध्यान रखना है कि इसमें जो चर राशि और गुणा मान है अर्थात ए एक्स या बी एक्स, ये जो स्टैंडर्ड रूप है ए एक्स और बी एक्स, इन दोनों में से सॉरी ए एक्स बी एक्स नहीं, ए एक्स प्लस बी वाई अर्थात ए एक्स और बी वाई में से किसी एक को आपको सेम कर लेना है दोनों समीकरणों के अंदर। जैसे यहां पर 3x है जबकि इसमें 2x है, अगर इसमें 3x और इसमें 3x हो तो हम आसानी से विलोपन विधि से y का मान ज्ञात कर सकते हैं, या यहां पर 5y, अगर यहां पर भी 5y हो तो हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। कुल मिला के ax दोनों के अंदर अगर समान हो जाए तो विलोपन विधि से हम मान ज्ञात कर सकते हैं, या फिर ये by दोनों के अंदर सेम हो जाए। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि आपका जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें ax ऑलरेडी पहले से ही बराबर आए या bx बराबर आए, कहने का मतलब ये दोनों मान समान आए या फिर ये y वाले दोनों मान समान आए, ये तो कोई जरूरी है नहीं, क्योंकि समीकरण किसी भी रूप में आ सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें स्वयं इनको समान बना लेना है, अर्थात जैसे यहां पर 3x है इधर भी हम 3x अगर कर ले तो ये आसानी से विलुप्त हो जाएगा और y का मान मिल जाएगा, या यहां पर 5y है अगर इधर भी हम 5y कर ले तो x का मान मिल जाएगा। अब देखो ऐसे मनमर्जी से हम इनको कर नहीं सकते, हमें क्या करना है, समीकरण के नियम के अनुसार इनके इनको दोनों पक्षों से गुणा करके इनका मान बनाना है। जैसे आप अगर इस पक्ष इस समीकरण के दोनों पक्षों को 5-5 से गुणा कर दो, क्योंकि समीकरण के दोनों पक्षों को समान संख्या से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ रूप चेंज होता है। तो अगर हम इस समीकरण के दोनों पक्षों को 5-5 से गुणा कर दें तो ये माइनस का 5y हो जाएगा, जबकि इधर भी 5y है तो ये दोनों समान हो जाएंगे और फिर विलोपन विधि से हम आसानी से x का मान ज्ञात कर लेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, y को विलुप्त करना नहीं चाहते हो, तो फिर आपको x के लिए देखना है कि x का मान दोनों में समान कैसे हो। इसके लिए इधर 3x है इधर 2x है, अगर आप इस समीकरण के दोनों पक्षों को 3 से गुणा कर दो तो 3 × 6x हो जाएगा, और इस समीकरण के दोनों पक्षों को आप 2 से गुणा कर दो तो ये 2 × 3 = 6 हो जाएगा, अर्थात इधर भी 6x हो जाएगा उधर भी 6x हो जाएगा। तो आप दोनों समीकरणों में भी कुछ संख्याओं से गुणा करके उनकी चर राशियों को बराबर कर सकते हो, अर्थात ax या by को समान कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी एक समीकरण में करें, अर्थात दोनों को अलग अलग संख्याओं से गुणा कर सकते हो, लेकिन यह ध्यान रखना है कि करना है दोनों पक्षों को ही, क्योंकि समीकरण के दोनों पक्षों को समान संख्या से गुणा करेंगे तो ही उसका मान वैसा का वैसा रहेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हम अगर y को विलुप्त करना चाहे तो इस समीकरण के दोनों पक्षों को 5-5 से गुणा अगर कर दें तो इसके अंदर माइनस का 5y हो जाएगा, हालांकि बाकी का मान भी चेंज होगा लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुल मिला के आपने सोच रखा है कि जो bx है वो समान हो तो उसके लिए दोनों पक्षों को किस संख्या से गुणा किया जाए, बस ये ध्यान देना है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, दोनों पक्षों को 5 से गुणा करने पर गुणा करते हैं, समान संख्या से गुणा करेंगे तो सिर्फ रूप चेंज होगा, मान वो कभी रहेगा। अब देखो 5 से गुणा कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कि आप सीधे इस y को ही 5 से गुणा कर दो, दोनों पक्षों के सभी मानों को आपको गुणा करना है, ऐसा नहीं कि स्कोर इसको ही कर दे इन बाकी को न करें,
इस पूरे पक्ष को 5 से गुणा करना पड़ेगा, उधर भी पूरे पक्ष गुणा होगा, तो इधर देखो 5 दूना 10x हो जाएगा, y को गुणा करेंगे 5 से तो माइनस का 5y हो जाएगा, प्लस के 3 को 5 से गुणा करेंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा, और 0 को 5 से गुणा करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से आप गुणा करो उसका मान 0 होता है। अब देखो आपका ये जो समीकरण था वो इस रूप में आ गया, और है वो का वही समीकरण, सिर्फ रूप चेंज हुआ है। यहां पर अगर हम देखें अब तो इधर भी 5y माइनस का 5y, इधर भी माइनस का 5y है, अर्थात दोनों में BY BY समान हो गया। ऐसा होने पर हम आराम से विलोपन विधि से इनमें से y को विलुप्त कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जब दोनों के अंदर कोई सी भी चर राशि समान हो जाए तो आप एक समीकरण में दूसरे समीकरण को या तो जोड़ दो या फिर घटा दो, अर्थात जो भी आपको अच्छा लगे, अर्थात ये विलुप्त हो, उसी प्रकार से आप कर सकते हो। जैसे हम इस समीकरण में इस समीकरण को अगर जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो बराबर पक्षों में बराबर पक्ष जोड़ेंगे, यहां पर 3x और 10x तो 13 हो जाएगा, माइनस का 5y और माइनस का 5y जुड़कर माइनस का 10y हो जाएगा, और प्लस का 15 और 1 16 हो जाएगा। तो हमारा यहां पर उद्देश्य है, लक्ष्य है विलुप्त करना, अर्थात इस y को विलुप्त करना। जबकि अगर आप इस समीकरण में इस समीकरण को जोड़ते हो तो ये तो माइनस का 5y और माइनस का 5y विलुप्त होने के बजाय माइनस का 10y बन जाएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जोड़ो ही, अर्थात आप दोनों समीकरणों में से किसी दूसरे समीकरण को, एक समीकरण में दूसरे समीकरण को आप घटा भी सकते हो, अर्थात घटाने से विलुप्त होता है या जोड़ने से विलुप्त होता है वो आप काम कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी जा सकती है या फिर घटाई भी जा सकती है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम ऐसा करते हैं, इस समीकरण में से इस समीकरण को घटा देते हैं या फिर इसमें से उसको घटा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर थोड़ी बड़ी राशियां हैं, अगर इनको हम इसमें से घटाएंगे तो आसानी से मान आ जाएगा, पॉजिटिव मान आएगा। तो इस समीकरण के दोनों पक्षों में, इस समीकरण के दोनों पक्षों में हम क्या घटाते हैं, 3x माइनस का 5y प्लस का 1 बराबर 0 घटाने पर ये घटाते हैं। अब देखो समीकरण के दोनों पक्षों में समान राशि घटानी पड़ेगी, आपके पास है 10x माइनस 5y और प्लस का 15 = 0, जितना आप इस पक्ष में घटाओगे उतना ही आपको उस पक्ष में उसके बराबर उसमें घटाना पड़ेगा। हम इस पक्ष में से घटा देते हैं ये जो आपको बताया मैंने इधर 3x माइनस का 5y और प्लस का 1, तो इधर 0 में भी ये का यही घटाना पड़ेगा। अब आप चाहे ये घटाओ या इसके बराबर मान है वो घटा दो, तो 3x माइनस 5y प्लस 1 है ये घटाओगे या फिर इसके बराबर 0 मान है तो 0 घटा दो, आप ऐसे घटा दो। आपको ध्यान रखना है कि घटाते हैं तो घटाने पर चिन्ह बदले जाते हैं, अर्थात जैसे 5 में आप 2 घटाओगे तो 2 को माइनस करोगे, तो इसी प्रकार से ये जो नीचे वाली संख्या हमने लिखी है ये हम घटा रहे हैं, तो घटाने पर हम क्या करेंगे, इस नीचे वाली संख्या के चिन्ह चेंज कर देंगे, अर्थात जो संख्या जो राशि हम घटा रहे हैं उसके प्लस को माइनस कर देंगे और माइनस को प्लस कर देंगे। तो यहां पर 3x प्लस का है ये घटेगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, और माइनस का 5y घटेगा तो ये प्लस का 5y बन जाएगा, और प्लस के 1 को घटाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इधर आप 0 के चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस करोगे तो भी वो 0 ही रहेगा। अब देखो घटा रहे हैं, 10x प्लस का है 3x माइनस का है, तो यहां पर प्लस का 7x बच जाएगा। इधर देखिए माइनस का 5y और प्लस का 5y दोनों चले गए, विलुप्त हो गया, इसे हम विलोपन विधि कहते हैं, अर्थात माइनस का 5y और प्लस का 5y नष्ट हो गया, अर्थात यहां पर y है ही नहीं, कुल मिला के आपके पास एक चर राशि ही मिलेगी, और एक चर राशि का मान हम एक समीकरण से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इसीलिए हमने इस y को विलुप्त किया है। तो 5y माइनस का 5y प्लस का विलुप्त हो गया। इधर देखो 15 के अंदर आप एक घटाओगे तो ये बच जाएगा प्लस का 14 और बराबर इधर 0, एक समीकरण बना है। इस समीकरण में हम आराम से x का मान चर राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इस 14 को हम इस पक्ष में लाएंगे तो इधर 7x है और इधर माइनस का 14 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का 14 है, इस पक्ष में आएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। अब ये 7 और अगर इधर से हटाएंगे, भाग से हटाएंगे तो उधर जाके गुणा हो जाएगा, इधर बच जाएगा x बराबर माइनस का 14 बटे वे 7 आ जाएगा, क्योंकि गुणा से जाएगा तो भाग लग जाएगा, और माइनस के 14 में 7 का भाग माइनस का 2 बार जाता है, तो ये x बराबर
दो आ गया माइनस का, तो x बराबर माइनस का दो जो भी हमने प्रतिस्थापन विधि से निकाला था वो इस प्रकार से विलोपन विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तो हमने x बराबर माइनस का दो ज्ञात कर लिया, अब हमें y का मान और चाहिए, अर्थात y का मान कितना है। तो इसके लिए आप चाहो तो आदि विधि प्रतिस्थापन काम में ले सकते हो, अर्थात ये माइनस का दो आप x बराबर जो माइनस का दो है वो दोनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण में आप x की जगह रख के y का मान निकाल लो तो वो प्रतिस्थापन विधि से आ जाएगा। जैसे यहां पर हम x की जगह माइनस का दो रखें, तीन गुणा माइनस का दो माइनस का पांच वाई प्लस का वन बराबर जीरो, x की जगह माइनस का दो रख दिया, इसको सरल करेंगे तो माइनस का छ हो जाएगा ये, प्लस माइनस माइनस, और माइनस का पांच वाई और प्लस का वन बराबर जीरो, माइनस का छह प्लस का एक तो ये बचेगा माइनस का पांच, और माइनस के पांच वाई को इधर ले जाते हैं तो ये प्लस का पांच वाई बन जाएगा, इधर आएगा माइनस है तो प्लस बन जाएगा, पांच को इधर लाते हैं गुणा से तो माइनस के पांच में प्लस के पांच का भाग लगेगा तो वाई का मान मिल जाएगा आपको, वाई का मान आ गया माइनस एक क्योंकि एक बार भाग गया। तो इस प्रकार से ये प्रतिस्थापन करके हम वाई का मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहां पर विलोपन विधि से वाई का मान निकालेंगे तो उसके लिए क्या करें। देखो आप वाई को यहां पर विलुप्त करके आपने एक्स का मान निकाल लिया, एक्स का मान आ गया माइनस का दो, अब हम क्या करेंगे एक्स को विलुप्त करके वाई का मान निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करें, पहले आप समीकरणों को लिखोगे फिर देखोगे कि एक्स एक्स दोनों पक्षों में बराबर कैसे हो, विलुप्त कैसे हो, वैसा आपको करना है। आपका समीकरण था तीन एक्स माइनस का पांच वाई और प्लस का वन बराबर जीरो, और दूसरा समीकरण है दो एक्स माइनस का वाई और प्लस का तीन बराबर जीरो। अभी हमने y को विलुप्त करके x का मान निकाला है, y को विलुप्त करने के लिए हमने इस समीकरण के दोनों पक्षों को 5 से गुणा कर दिया, लेकिन अब हम x को विलुप्त करेंगे, अर्थात x को विलोपित कैसे किया जाए। इसके लिए आपको ध्यान देना है कि इस समीकरण के आप दोनों पक्षों को 2 से गुणा कर दो तो ये 3 दुना 6x हो जाएगा, और इस समीकरण के दोनों पक्षों को आप क्या कर दोगे 3 से गुणा कर दोगे तो ये 3 दुना 6x हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों में x x का मान अर्थात ax का मान समान हो जाएगा। तो हम यहां पर लिखते हैं दोनों पक्षों को 2 से गुणा करने पर, 2-2 से गुणा करते हैं करने पर, पूरे दोनों पक्षों के सभी मानों को आप 2 से गुणा करोगे तो 2 3 6x माइनस का 2 5 10y और प्लस का 2 1 2 और 0 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। कुल मिलाकर यह समीकरण अब इस रूप में आ गया, मान वो का वही है सिर्फ रूप चेंज हुआ है उसमें, इसमें नॉट डिफरेंस कोई भी अंतर नहीं है। इधर चलते हैं, इस समीकरण के अंदर 6x कैसे हो, उसके लिए हम इसके दोनों पक्षों को 3 से गुणा कर देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों को 3 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे तो 3 2 6x हो जाएगा, माइनस का 3 1 3y हो जाएगा और प्लस का 3 3 9 और बराबर 0 को 3 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। कुल मिला के आपके जो क्वेश्चन के अंदर ये समीकरण दिए हुए थे वो समीकरण यही हैं, इनमें और उनमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ रूप चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ पर चर राशि जो है वो यहाँ पर समान हो गया, अर्थात 6x 6x ये सेम हो गया। अब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़कर या फिर घटाकर हम वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों समीकरणों में आपस में एक दूसरे को घटाना है या फिर जोड़ना है, अर्थात ये एक्स कैसे विलुप्त हो। अगर इस समीकरण में उस समीकरण को जोड़ देंगे हम तो 6x और 6x 12x हो जाएगा, जुड़ने की बजाय ये विलुप्त होने की बजाय 12x बन जाएगा, इसलिए जोड़ने से ये विलुप्त नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं किसी भी एक समीकरण में दूसरे समीकरण को घटा देते हैं, क्योंकि जब घटाएंगे तो 6x में 6x घटेगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए विलुप्त हो जाएगा। तो अतः आपको कोई से भी एक समीकरण में दूसरे को घटाना है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा घटाए ही, जोड़ने से भी विलुप्त हो सकता है। जैसे यहां पर अगर माइनस का 6x होता तो इसमें जोड़ते ही प्लस का 6x माइनस का 6x विलुप्त हो जाता। तो ये तो समीकरण की स्थिति पर निर्भर करता है कि आपको समीकरण कैसा मिलता है, उसी के अनुसार आप जोड़ भी सकते हो घटा भी सकते हो, अर्थात विलुप्त कैसे हो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या करते हैं इस समीकरण में से उस समीकरण को घटा देते हैं। तो यहां पर इस समीकरण में 6x माइनस 3y प्लस का 9 बराबर 0 को घटाने पर घटाते हैं, तो देखो कैसे घटाएंगे, ऊपर नीचे लिख के घटा सकते हो आप या समांतर लिखकर भी घटा सकते हो। 6x माइनस y प्लस 2 बराबर 0 है, इसके नीचे हम
इसमें जो घटाएंगे वही इसमें घटाएंगे, इस पक्ष में हम घटा रहे हैं ये, अर्थात 6x माइनस का 3y और प्लस का 9, तो इधर भी हम वही घटाएंगे लेकिन इसके बराबर जो मान है वो घटा देते हैं क्योंकि दोनों पक्ष बराबर है तो बराबर मान घटाया जा सकता है, तो इधर 0 लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं घटाने पर। घटाने पर हम क्या करते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं, बदलते हैं, जो संख्या प्लस की होती है उसको माइनस और माइनस की होती है उसको प्लस कर लेते हैं, तो ये 6x प्लस का माइनस का बन जाएगा और माइनस का 3y प्लस का बन जाएगा और प्लस का 9 माइनस का होगा। अब देखो 6x प्लस का 6x माइनस का, तो ये तो विलुप्त हो गया, कुछ नहीं बचा। यहां पर चलते हैं, माइनस का 10y है और प्लस का 3y है, माइनस के 10y और प्लस के 3y की कैलकुलेशन करेंगे हम तो माइनस का 7y बचेगा, तो यहां पर माइनस का 7y ये बच जाएगा। इधर देखो प्लस का 2 है और माइनस का 9 है, प्लस का 2 माइनस का 9 तो माइनस का 7 बचेगा और इधर 0 0, ये 0 रहेगा। अब हमें y का मान निकालना है तो आप पक्षांतर कर लो, इधर देखो यहां पर माइनस का 7y है और ये माइनस का 7 है, इसको इस पक्ष में लाएंगे तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। हमें y का मान निकालना है, y के 7 में ये माइनस का 7 गुणा है, इसको उठाकर हम उस पक्ष में ले जाएंगे, वज्र गुणा कर देंगे, तो इधर देखो y माइनस का 7 गुणा से आएगा तो इस पक्ष में भाग लगेगा, तो ये 7 में माइनस 7 का भाग दे देंगे तो y बराबर आ जाएगा माइनस के 7 का 7 भाग माइनस का 1 बार गया, तो ये y बराबर माइनस का 1 आ गया। अब एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए और ओनली आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, तो आप आधा काम विलोपन से कर सकते हो, जो भी अभी पहले मैंने y को विलुप्त करके निकाला था, और एक चर राशि का मान आने के बाद में दूसरा काम आप प्रतिस्थापन से करके निकाल सकते हो, तो आप कैसे भी हल कर सकते हो। लेकिन अगर एग्जाम में सिर्फ यही पूछा जाए आपसे कि विलोपन विधि से ही दोनों चर राशियों का मान ज्ञात करना है, तो आपको फिर x को विलुप्त करके मान निकालना है एक बार और एक बार y को विलुप्त करके मान निकालना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के ये विलोपन विधि है, आपके अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए कि किस प्रकार से हम एक चर राशि को विलुप्त करके दूसरी का मान ज्ञात करते हैं। जब इन दोनों का मान आ जाए तो उसके बाद में आप दोनों का मान समीकरण के अंदर रखकर इनकी एक बार जांच अवश्य कर लेना कि ये समीकरण को संतुष्ट भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो आपने कहीं ना कहीं हल करने में मिस्टेक की है, आप उसको सुधार सकते हो और दोबारा से सही मान निकाल सकते हो। तो आपको ये देख लेना है कि ये दोनों मान आपके दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो आज आपको ये मैंने प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से दो चरों वाले रेखीय समीकरणों को किस प्रकार से हल किया जाता है ये आपको बताया। आगे बहुत सारे ये दो चरों वाले रेखीय समीकरण है, संख्यात आंकिक प्रश्न भी बनते हैं खूब सारे, तो उनको लेकर हम आपको प्रतिस्थापन विलोपन वज्रगुणन ग्राफी विधि से बताएंगे। तो आज आप प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से इन समीकरणों को हल करना, अच्छी तरह से तैयार करना। आपको मैं बता दूं कि ये जो समीकरण थे, समीकरण वाला क्वेश्चन था, ये 2019 के अंदर आया था, पिछले साल BSER 2019। इसके अंदर x और y का मान पूछा था, ग्राफी विधि से पूछा था, और उसके बाद ये भी पूछा था कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने यहां पर अभी x का मान निकाला है, कितना माइनस का 2 निकाला था x का मान, और y का मान कितना है माइनस का 1, और इसका वर्ग करेंगे तो 1 का मान आ जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, माइनस 3 का वर्ग होता है प्लस का 9, तो a बराबर 9, जो आपको कल और अच्छी तरह से बताएंगे जब ग्राफी विधि के अंदर आएंगे, तो इन दोनों समीकरणों को अच्छी तरह से हल करना बता देंगे। तो आज फिलहाल आप इन दोनों विधियों को, प्रतिस्थापन और विलोपन को, अच्छी तरह से हल करना सीखना, कल आपको इनके बारे में और विस्तार से बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।